मुकद्दर और कोशिशें। आज के आर्ट जर्नलिंग के थ्रू हम देखेंगे कैसे आर्ट के थ्रू जीवन के संघर्षों को हम खूबसूरती में बदल सकते हैं। हेलो दोस्तों, रंगों की आवाज में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है शिवानी। आज मैं वन स्ट्रोक लीफ में मैं इसको बनाऊंगी और मॉडर्न कैलीग्राफी में मैं हरिवंश राय बच्चन के एक कोट को भी लिखूंगी। इससे पहले भी मैंने वन स्ट्रोक लीफ में कुछ वीडियोस बनाई हैं, अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप उनको जाकर देख लीजिएगा। और इस वीडियो को भी आप बिना स्किप किए पूरा देखिए। अगर आप इसको पूरा देखते हैं तो आप आसानी से वन स्ट्रोक लीफ कैसे बनाते हैं आप सीख जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के कला के नए रंगों को आवाज़ देने का काम शुरू कर। लिखने के लिए बुक का एक पेपर लूंगी मैं। इस तरह से अपने पास काफ़ी सारे पेपर रखती हूँ और ये मुझे अच्छा लगा था तो मैंने ये ले लिया है। आज की जो आर्ट जर्नलिंग है मैं उसको काफी नेचुरल उसका जो बेस चाहती थी तो मैंने कैमलिन के पोस्टर कलर यूज किए हैं। सेकंड जो कलर मैंने लिए हैं यहाँ पर ये एक्रेलिक है, इंडियन रेड कलर से मैं लीफ बनाऊंगी। ब्रश है नंबर 8 राउंड ब्रश। पहले जो ब्रश की ब्रिशल है उसको थोड़ा नोक उसकी रखेंगे और फिर जो उसकी ब्रिशल है इसको पूरी तरह से इसको फैला देंगे और फिर पीछे की तरफ ब्रश को हम खींचेंगे तो हमारा लीफ तैयार हो जाएगा। वन स्ट्रोक लीफ बनाते टाइम आप ब्रश को ब्रिशल जो है इसको पूरा फैला दे और आपका लीफ बन जाएगा। मुझे ये कलर कॉम्बिनेशन इतना अच्छा लगा कि मैंने इसको ऐसे ही रहने दिया और मैंने सिर्फ 2 कलर यूज किए हैं। लीफ के एंड पॉइंट पर मैंने राउंड डॉट बनाए हैं। मंजिल ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। जिन भी राइटर्स के कोट्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ तो मैंने अब तक ये शेयर किया है कि कुछ भी हो सकता है, कुछ भी आप कर लो, आप सब कुछ कर सकते हो, लेकिन एक जो रियलिटी है ना वो ये है कि मुकद्दर जो है वो काफी बड़ी चीज है। काफी कुछ ना मिल जाता है, अपने आप ही मिल जाता है। क्योंकि अगर हमने ये बात एक्सेप्ट कर ली ना कि सब के बहुत कुछ मुकद्दर पर भी डिपेंड होता है, हम सब कुछ हमारे कंट्रोल में भी नहीं है, तो लाइफ का जो अपना एक फ्लो है ना हमें उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जरूरी नहीं है। लेकिन अगर इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि जो लाइफ देती है वो लाइफ के अकॉर्डिंग ही होगा तो उससे गुस्सा आता है और तकलीफ होती है। तो जो मुकद्दर है ना वो काफी पावरफुल है, वो मिलता है, लेकिन मंजिलों पे हमारा हक नहीं, लेकिन कोशिश पर तो है। मंजिल ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। जिंदगी जख्मों से भी भरी हुई है, वक्त को मरहम बनाना सीख लो। हारना तो है एक दिन मौत से, फिलहाल जिंदगी जीना सीख लो। लेकिन जिंदगी हर मुकद्दर से परे है, हर मुकद्दर से बड़ी है, इतनी बड़ी है कि सबके साथ वो हर कोशिश की इजाजत देती है। लगता है जीवन जानता है कि क्या सही है, इसीलिए वो सबके मुकद्दर लिखा करता है। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर से एक नए काम के साथ। तब तक के लिए बाय।